पता सर, पता है इतनी मेहनत की है, हम आपकी भावना, देखिए हम बिल्कुल आपकी भावनाओं को, आपके दर्द को समझ सकते हैं। आप जो बंदा लाइव में आकर इस तरह इतना इमोशनल होके इतना दर्द कह सकते हैं, तो उसके दर्द का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। और मेरा सिर्फ इस लाइव सेशन को शुरू करने का मकसद ही है कि मैं आपके दर्द को दिखा सकूं। जो लोग आज मजाक उड़ाते हैं जब अग्निपथ लागू हुआ, और तो हमारे साथ में नए साथी जुड़ चुके हैं जी। कहाँ से, क्या नाम है सर? मेरा नाम कृष्णजीत सिंह राणा, मैं आगरा से हूँ सर। आगरा यूपी से? हाँ जी, हाँ जी सर। मैं 2013 से भर्ती देख रहा हूँ मैं सर। कई भर्तियों में क्लियर भी कर चुका हूँ। पहले मैं लूज ऑफ चेस्ट होता था सर, पर सर 2021 में मैंने क्लियर किया, मेरा सब कुछ हो गया सर जी। हाँ, मेरा चेस्ट वगैरह सब क्लियर हो गया। पेपर के लिए दिल्ली गया मैं, दिल्ली तैयारी की मैंने लगभग 1.5 साल। और पता है सर, आपको पता है आर्मी के अंदर ऐसा तो नहीं है, पैसे भी देने पड़े मुझे घर वालों को, लगभग मेरे 1.5 लाख रुपए फंस गए। और उधर भी रहा, उधर भी हो गया। बात उसकी नहीं सर, आप हो एक रविंद्र सर हैं, इनको देख के तसल्ली मिलती है हम लोगों को, बाकी तो सब मजाक उड़ाते रहते हैं हमारा। इस बार मैं गया था 2 महीने पहले, आनंद कॉलेज में भर्ती हुई थी तो मैं गया। मैंने लगभग दोबारा हाईस्कूल कर चुका हूँ मैं, उसी से मेरा पेपर था तो मैं गया सर। तो उधर जैसे मेरा आधार कार्ड खुला उन्होंने, तो ये बोल दिया कि तुम्हारी लिमिट क्रॉस हो रही है, तुम देश नहीं कर सकते। मैंने बोला सर मेरे पास तो एडमिट कार्ड है पहले का, एडमिट कार्ड भी दिखाया मैंने उन्हें, पर नहीं होगा हमारे पास ऐसा नियम कोई नहीं है। अब क्या क्या क्रॉस हो रही है? लिमिट क्रॉस हो रही है आधार कार्ड में आपकी, मतलब आपकी आप ओवरएज हो गई, ये कह रहे हैं ना? नहीं, आपने दोबारा करेक्शन कराया आधार कार्ड में। तो क्या सच क्या था उसका? सर मैंने हकीकत में दोबारा कराया था, पर उससे पहले मैं भर्ती देख चुका हूँ, मेरा एग्जाम भी था उस आधार कार्ड से। अच्छा, उस आधार कार्ड से मेरा एग्जाम भी था सर, 2021 वाला जो एग्जाम था ना, तो उसी से था मेरा। मैंने सर एडमिट कार्ड भी दिखाया, मैंने सर जी मेरा एडमिट कार्ड है, ये देखिए मेरा एडमिट कार्ड है, पहले भी मैंने इस चीज़ से देखा हूँ सर। मैं मेरी डेट ऑफ बर्थ पहले चेंज कराई थी मैंने, पहले कुछ और थी, फिर कुछ और कराई मैंने, तो नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता सर। देखिए ये चीज अच्छी लगी मुझे आपकी, कि एक तो आपने सच बताया कि जो चीज कि आपने किया था उसको आप एक्सेप्ट किया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हुआ यूं है कि पहले सिस्टम इस चीज को नहीं पकड़ पा रहा था, लेकिन अभी आर्मी का जो सिस्टम है, रिक्रूटिंग का जो सिस्टम है, उसको अपडेट कर लिया गया है। और अभी आप जैसे ही वहां पर बायोमेट्रिक पर थंब लगाते हैं, तो आपका जो आधार है उसकी टोटल हिस्ट्री खुल के आ जाएगी, उसमें सब कुछ पता चल रहा है कि किसने कब कब इसमें करेक्शन कराए, डेट ऑफ बर्थ चेंज कराई है या कुछ और चेंज कराया, वो सब पता चल रहा है। तो इसलिए उन्होंने वहां पर आपको पकड़ लिया। सर मेरा भाई भी है आर्मी में, वो इस समय जम्मू में 19 RR में, वो बड़े भैया वो भी कहते हैं। पर भाई सर जी ऐसे तो सब कुछ है, पर सर शुरू से मैंने आर्मी का सपना देखा सर, बात वो रही सर, रोला जाता सर, पता है इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत। हम आपकी भावना, देखिए हम बिल्कुल आपकी भावनाओं को, आपके दर्द को समझ सकते हैं। आप जो बंदा लाइव में आकर इस तरह इतना इमोशनल होके इतना दर्द कह सकते हैं, तो उसके दर्द का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। और मेरा सिर्फ इस लाइव सेशन को शुरू करने का मकसद ही है कि मैं आपके दर्द को दिखा सकूं। जो लोग आज मजाक उड़ाते हैं जब अग्निपथ लागू हुआ, और कुछ चीजें आई थी, कुछ लोगों ने पता नहीं कौन थे वो करने वाले जिन्होंने ये तोड़ फोड़ की, इस तरह की चीजें हुई, लेकिन उसका सारा इल्जाम उन युवाओं पर दे दिया गया जो पहले से तैयार थे, फिट थे, उनको अलग अलग नाम दिए गए। बहुत दर्द होता है इन चीजों को सुनकर। मैं आपके पेन को, आपके दर्द को, आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ, बिल्कुल सही है। गांव में वो किसी के पास जाए ना तो सब ये कहते हैं तेरा तो नंबर आ गया था, तू तो चला गया था, पढ़ ले गया था, वहां पे गया था, सब ऐसे ही मजाक उड़ाते हैं कि तू तो ऐसे कहता था, तेरा नंबर आ गया, तू चला गया, तू तो मोदी का भक्त था, तूने तो मोदी को खुल के सपोर्ट की थी। सर हम लोगों ने पता है, मैं जाट हूँ सर, RLD कहते हैं ना, जाट RLD की पार्टी, जाटों की पार्टी RLD है। मैं खुल के सपोर्ट करता था मोदी को, कि मैं खुल के सपोर्ट करूंगा मोदी को, मैं किसी को, मैं देश की देखूंगा। पर सब जब से हमारे साथ गलत किया ना, बहुत बुरा आता है सर, गाली निकलती है मुंह से। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए दर्द है आपका, बिल्कुल मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ, आपके दर्द को समझ सकता हूँ। बहुत गलत हुआ यार, तैयारी करके बंदा यहाँ तक पहुंचता है और लास्ट में आकर इस तरह की एक योजना लाई जाती है और कह देते कि नहीं आपकी सारी मेहनत पर पानी खत्म, सब कुछ जो भी था खत्म हो गया, ये नहीं होना चाहिए। सरकार को आखिर चुना किसने है? सरकार को बनाया भी हमने और आप लोगों ने ही है। देखो सर मैं आपको दिखाता हूँ, मैं ऐसे नहीं, मैं नेशनल भी खेल चुका हूँ जी, देखिए मेरे मेडल, इतने मेडल टंग रहे मेरे कमरे में जी, देखो। ओ यार सैल्यूट यार, ये देखो सर मेरे जी सब मेडल मेरे टंग रहे, पर सर क्या करूँ, कुछ नहीं होता है सर।
सैल्यूट यार आपके संघर्ष को यार। देखिए बहुत गलत हुआ है, मैं ये बहुत समय से सोच रहा था कि कैसे इन युवाओं को उस दर्द को दिखाया जाए, किस पीड़ा से ये गुजर रहे हैं, क्या कुछ नहीं किया इन्होंने आर्मी के लिए, और सरकार बता अग्निपथ लाई और सारा कुछ सुहा कर दिया। सर, और 2 UP बटालियन से मैं 2016 में एनसीसी भी कर चुका हूँ सर, 2 UP बटालियन आगरा से, जी, सब चीजें मेरे और पास। क्या चाहिए, और क्या चाहिए एक आर्मी के लिए। इस बंदे ने क्या कुछ नहीं किया, एनसीसी है, नेशनल इसके स्पोर्ट्स के, आप अभी देख रहे थे मेडल रंगे हुए थे, मैं सर इतनी आपके पास मेहनत सब करने के चीज, बाद। मैं जी सर्टिफिकेट जी भेजूंगा आपके पास अभी, जी पर कोई नहीं सर। जब से देखिए आपने मैं बोला फिर, ना, जी 2 दिन जी से आपने शुरू किया, मैं कल से ही डोल रहा था आपको, मैं सर कब को कब मिलू लाइव, कब मिलू लाइव, तब जी जाके जी अब कुछ हुआ। देखिए मैं बिल्कुल सभी साथियों से कहना चाहूंगा, इस लाइव को शेयर जरूर करें। आप अगर ये सोचते हैं कि हमारे शेयर से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, जो होना था हो गया, तो आप ऐसे कैसे रह जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, आप आवाज तो उठाइए, होगा कैसे कुछ नहीं, एक आपके एक शेयर से ही बहुत कुछ हो सकता है। इसको शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और लाइक करते रहे इसको, ताकि यूट्यूब भी इसको रिकमेंड करे आगे से आगे। आप इसको जितना लाइक करेंगे, उतना ही यूट्यूब इस लाइव सेशन को रिकमेंड करेगा, आगे भेजेगा, और ये वीडियो आगे तक पहुंचेगा। ऐसे क्या आप चाहते हो युवा ऐसे रोते रहे? अरे ये रोने वाले नहीं है, लेकिन दर्द है, और हालातों ने ऐसा इन्हें कर दिया है कमजोर। इन्होंने तैयारी की थी, क्या कमी थी इनकी तैयारी में, एनसीसी की हुई है, फिजिकल मेडिकल क्वालिफाई करने के बाद में एग्जाम की तैयारी की दिल्ली में जाके, और अग्निपथ आती है और सब कुछ खत्म। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, बोल और रहे कुछ सर, आप कहना चाहेंगे? सर ये बोलते हैं 25% है, 25% लेंगे। अब बताइए सर, आप अधिकारी हो या मैं अधिकारी हूँ, जी वो तो 25% उनको लेंगे ना, जो उनकी गुलामी करेंगे। अगर उधर बोल दिया ना कि तेल चटाई लेके आ जाओ, 25% में तुम जाओगे, बंदों को ये भी करना पड़ेगा सर। देखिए, इस तरह के शब्दों का हम प्रयोग नहीं करेंगे, आप भी इनसे बचें। इस तरह की चीजें हम लाइव में, इस तरह की बातें अच्छी नहीं देती, सबको शोभा तो नहीं सतर्क रह रहे देती, हो ऐसी आप, बातों तैयार से आपका कहना, बचिएगा। पर सर जी लड़कों के साथ बिल्कुल बहुत ऐसे, गलत हुआ है सर, बहुत जी गलत हुआ है बिल्कुल सर गलत हमारे। हुआ है, हम उस चीज को मान रहे हैं, गलत हुआ, जहां पर गलत है हम हमेशा आपके साथ हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। बिल्कुल आपका दर्द वाजिब है, बिल्कुल हमारा प्रयास है कि युवाओं को न्याय मिले, इसके लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। न्याय व्यवस्था पर हमें विश्वास है कि जरूर युवाओं के पक्ष में ही फैसला हो, युवाओं को उनका हक जरूर मिले। चलिए, हमारे साथ में एक दूसरे साथी वो इंतजार कर रहे हैं, उनको हम जोड़ते हैं। आपके दर्द को हम समझ सकते हैं, और जरूर हम आपके लिए लड़ेंगे आगे। जैन सर।